तो हम आ चुके हैं बियॉन्ड दी बाउंड्री के आखिरी एपिसोड तक। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के बाद फाइनली इसे कंप्लीट करने में लगभग 1 साल लग गया। चलो ये सब छोड़ो, एपिसोड एंजॉय करो। आकिटो को अपने आंखों के सामने देख मीराई घबरा जाती है और चीखते हुए कहती है, तुम यहाँ पे कैसे आए? क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम्हें बचाए रखने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा? तो वो जवाब देता है, तुम चुप रहो। तुम मुझे सलाह देकर गई एक नॉर्मल इंसान बनने के लिए। क्या मैंने तुमसे कभी कहा कि मुझे नॉर्मल होना है? अब रोते हुए मीराई कहती है, तुम बुरे हो, तुम सच में बहुत बुरे हो। मीराई के हाथ को पकड़ कर आकिटो कहता है, असल में तुम बुरी हो। मुझे तुम्हारी ज़िंदगी के बदले ज़िंदगी नहीं चाहिए। तुम्हारे बिना मेरा भविष्य नहीं है। क्या तुम्हें इतना समझ नहीं आया? क्या तुम्हें सच में इतना समझ नहीं आया? दूसरी तरफ लिटरेचर क्लब में इजुमी और आकिहितो की मॉम यायोई कानबारा लड़ने की कगार पे होते हैं। इजुमी पूछती है कि वो यहाँ पे क्या करने आई है और असल में आकिहितो क्या है उसके बारे में पूछती है। हमेशा की तरह मजाक मजाक में यायोई उसे अपना प्यारा सा बच्चा कहती है तो पीछे से साकुरा एक ज़ोरदार लात मारती है। अपने भाले को यायोई की तरफ करते हुए एक और बार इजुमी पूछती है कि आकिहितो क्या चीज़ है, तो वो फिर से बकवास करने लगती है तो इजुमी भाले को यायोई के सीने में घुसा देती है। इसी बीच हिरोमी और मित्सुकी भी रूम में आ जाते हैं तो पता चलता है कि इजुमी ने बस यायोई के एक पपेट को मारा था। जाते वक्त एक सीरियस टोन में यायोई कहती है, तुम मेरे ऊपर और कितना वक्त बर्बाद करना चाहती हो, जबकि इन प्रॉब्लम्स का जड़ कहीं और है। शहर के बाहर एक बड़ा धमाका होता है जिसके बीच यायोई कहती है, हिरोमी, मित्सुकी, आकिहितो और मीराई बिल्कुल भी साधारण नहीं हैं। वो दोनों काफ़ी स्पेशल हैं। मैं उन्हें तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। इतना कहकर यायोई वहाँ से निकल जाती है और उसके पीछे जा रहे इजुमी को रोककर हिरोमी कहता है, शायद हमें उस रोशनी पर ध्यान देना चाहिए। मीराई और आकिहितो भागते हुए डिस्कस कर रहे होते हैं कि बियॉन्ड दी बाउंड्री को कैसे रोका जा सकता है। इसी बीच उन पे हमले होते रहते हैं और मीराई उन्हें रोकती रहती है। ये सिलसिला चलता रहता है और एक फायरबॉल आते वक्त मीराई का पैर फिसल जाता है। वो फायरबॉल मीराई को लगने ही वाला होता है तो आकिहितो उसे रोक लेता है। आकिहितो का दायां हाथ यूमू फॉर्म में आ गया होता है। वो मीराई को सारी बातें बताता है कि ये कैसे हुआ, तो मीराई एक कंक्लूजन पे आती है कि उसके हाथ में जो पावर्स हैं वो शायद बियॉन्ड दी बाउंड्री को टक्कर दे पाएंगी। आकिहितो कहता है, शायद थोड़ा पास जाने पर मैं कुछ कर सकता हूँ। शहर के बाहर से मीरो कुछ सारी घटनाओं को ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसके नीचे की ज़मीन को चखनाचूर करते हुए नीनो वहाँ पहुँच जाती है। नीनो उसे अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाने की कोशिश करती है तो मीरोकू उसे एक झटके में निपटा देता है। इजुमी के सरप्राइज अटैक को रोककर मीरोकू कहता है, आज थोड़ी सी देर कर दी। मीरोकू के कुछ और हमलों को नेगेट करने के बाद सामने से आ रहे आग को इजुमी अपने बैरियर से ब्लॉक करती है। मीरोकू कहता है, मेरा ये हथियार तुम्हारे लाइब्रेरी से हॉलो शेडो को चुरा कर एब्जॉर्ब करने के बाद ही इतना पावरफुल हो पाया। अचानक उसके पीछे से नीनो हमला शुरू कर देती है, मगर उन दोनों के हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी मीरोकू के पास अपरेज होता है। अब वहाँ हिरोमी की एंट्री होती है और उसके पीछे पीछे मित्सुकी भी हाथ बटाने आ जाती है और मित्सुकी के बगल में से साकुरा भी निकलती है। अब ये फाइट एक तरफा लगने लगता है। मीरोकू अपने पास एक बैरियर बना लेता है जिसमें इजुमी कैद हो जाती है और दोनों आमने सामने होते हैं। ऊपर में हम देखते हैं कि बियॉन्ड दी बाउंड्री तक पहुंचने के लिए आकिहितो को एक स्कूटर दिख जाता है। आकिहितो काफ़ी तेज़ रफ्तार से चलाने लगता है और मीराई आगे खड़ी होकर छोटे मोटे योमूस को रास्ते से साफ कर रही होती है, मगर इस तेज़ स्कूटर के सामने एक खाई आ जाती है। आकिहितो एक्सेलरेटर को पूरा मोड़ देता है और आखिरी पॉइंट पर अपने ब्लेड से मीराई उन्हें ऊपर उछाल देती है। उछलकर उनकी सवारी एक तेज़ चढ़ाव पे आ जाती है। आकिहितो किसी तरह से उन्हें ऊपर ले आता है, मगर वो खाई से नीचे गिर रहा होता है तो मीराई उसके हाथ को पकड़ लेती है। आकिहितो बच जाता है और ऊपर बियॉन्ड दी बाउंड्री को देखते हुए मीराई कहती है, लगता है हम पहुंच गए। ऊपर से उन पर फायरबॉल्स गिरते हैं और उनको डॉज करने के बाद मीराई ऊपर छलांग लगाती है बियॉन्ड दी बाउंड्री को ख़त्म करने। सामने से आ रहे अनगिनत फायरबॉल से बचते हुए छोटे बड़े योमूस को काटते हुए मीराई बियॉन्ड दी बाउंड्री तक पहुंच जाती है। मीराई अपना ब्लेड उसके अंदर घुसा देती है,
तो इसके रिएक्शन में वहाँ का पूरा टेरेन टूटने लगता है। उस आइसोलेटेड प्लेस में मिरोकू अपने सामने खड़ी इजुमी से कहता है, बियॉन्ड दी बाउंड्री काफ़ी जल्द मिराई कुरियामा को मार के सारे योमू को निगल जाएगा। वो एक वॉर्टेक्स में बदल जाएगा और पूरी धरती को तबाह कर देगा। इसी के साथ वहीं पे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। पता चलता है कि हिरोमी और मित्सुकी ने इस बीम को हॉलो शैडो तक पहुंचने से रोक लिया होता है। मित्सुकी उसे अंदर जाकर इजुमी की मदद करने कहती है और वो अपनी प्यारी बहन का कहना मानकर अंदर चला जाता है। मगर अंदर इजुमी के हर एक हमले को मिरोकू रोक लेता है। इजुमी से वो कहता है, क्या तुम थक गई हो या फिर तुम मेरे प्यार में पड़ गई? अरे रुको रुको, शायद तुम अपने भाई बहन से अपना अतीत छुपाना चाहती हो। गुस्से में इजुमी उस पर अटैक करती रहती है और कहती है, मैंने कहा ना तुम अपना मुंह बंद रखो, तुमने खुद को एक योमू के हवाले कर दिया है। मिरोकू कहता है, मगर हम दोनों तो एक जैसे हैं, हम दोनों के अंदर योमू पनहा लेते हैं, क्या तुम्हें यह पता था छोटे भाई? हिरोमी पीछे खड़ा होकर सब सुन रहा था। इजुमी और गुस्सा होकर मिरोकू पे हमला करने लगती है और भाले को उसके सीने में घुसा कर कहती है, तुम्हें लगता है हम दोनों एक जैसे हैं, मगर मेरा स्वाभिमान अभी भी है। तो वो कहता है, तुम मुझसे झूठ बोल सकती हो मगर खुद से नहीं। और वहाँ पे एक बड़ा धमाका करके वो बच निकलता है। अब हम मिराई और आकीहीटो के पास आ जाते हैं। वो दोनों हजारों योमू से घिरे होते हैं। आकीहीटो कहता है कि उन्हें इन सब से लड़ना होगा क्योंकि और कोई रास्ता भी तो नहीं होता। मिराई कहती है, ये कितना बुरा है, और वो दोनों सारे योमू को निपटाने लगते हैं। आकीहीटो अपने दाएं हाथ से उन सबको फटाकों की तरह फोड़ते रहता है। मिराई हमेशा की तरह अपने ब्लेड से उन्हें काटती रहती है। इसी बीच मिस आयाका भी उनकी मदद करने वहाँ पे आ जाती हैं। वो तीनों काफ़ी जद्दोजहद करके वहाँ के सारे योमू को मार डालते हैं, लिटरली सारे योमू। वो थक गए होते हैं और उनका सराउंडिंग योमू स्टोन से चमक रहा होता है। अचानक ज़मीन से एक बड़ा हाथ निकल कर आकीहीटो को पंच करने आता है, मगर उसे रोक कर वो कहता है, आखिर तुम किससे इतना डर रहे हो? तुम जिन चीज़ों से घबराते हो वो सब के सब मेरे अंदर भी हैं। आकीहीटो उसे बार बार पंच करने लगता है और अपने सारे बुरे इमोशंस का नाम लेता है। अपने दूसरे हाफ को बुरी तरह से मारते हुए वो कहता है, मैं एक भी डार्क इमोशन को बाहर आने नहीं दूंगा, मैं इन सबको वापस ले रहा हूँ, मैं अपने इमोर्टल हाफ योमू को फिर से अपना रहा हूँ। अचानक सब कुछ गायब हो जाता है। थक कर आकीहीटो नीचे बैठ जाता है। मिराई उसके तरफ आ रही होती है तो उसका पैर टूटने लगता है। अपनी जगह पे खड़ी होकर मिराई आकीहीटो को पास आने कहती है। मिराई कहती है, मुझे माफ़ करना मगर मैं तुमसे एक मदद चाहती हूँ। आकीहीटो क्या है पूछता है तो वो उसे उसका हाथ सामने लाने कहती है। मिराई आकीहीटो के हाथ को अपने सर पे रखते हुए कहती है, क्या तुम मुझे थोड़ा सहला सकते हो? आकीहीटो को ये थोड़ा अजीब लगता है मगर वो उसकी बात मान लेता है। तभी सर गाड़ के मिराई हंसने लगती है। अब मिराई उसे शुक्रिया बोलने कहती है। आकीहीटो ये भी करता है तो मिराई कहती है, ज़रा दिल लगा कर बोलो। आकीहीटो उसे दिल से शुक्रिया कहता है तो मिराई का पैर और टूटने लगता है और वो खुशी खुशी रोने लगती है। मिराई गायब होने लगती है और बोल रही होती है कि वो कितनी ज़्यादा खुश है। आकीहीटो घबराने लगता है तो मिराई कहती है, सेंपाई, बियॉन्ड दी बाउंड्री तुम्हारे अंदर चला गया, इसीलिए ये डिमेंशन भी गायब हो जाएगा और इसके साथ मैं भी। मेरी असली बॉडी तो कब का ख़त्म हो चुकी है मगर अब शायद मेरा ये रूप भी ख़त्म हो जाएगा। सेंपाई, मैं तुमसे मिलके बहुत खुश हूँ और तुमसे प्यार करके भी। रोते हुए आकीहीटो उसे ये सब नहीं बोलने कहता है तो आखिर में वो कहती है, एक बार और मैं तुम्हें दिल से शुक्रिया कहती हूँ। आकीहीटो उसे पकड़ने की कोशिश करता है मगर उसका हाथ गायब हो जाता है। वो एक और बार कोशिश करता है मगर मिराई पूरी तरह से गायब हो जाती है। मिराई का रिंग नीचे गिर रहा होता है और ये देखते ही आकीहीटो खाई से कूद कर उसे पकड़ लेता है और नीचे गिरने लगता है। इसी तरह से बियॉन्ड द बाउंड्री का ये किस्सा ख़त्म हुआ। इसके बाद सब जैसा चल रहा था वैसे चलने लगता है। सबकी जिंदगियां नॉर्मल रहती हैं सिवाय कुछ चीज़ों के। मिरोकू फुजिमा का अता पता नहीं होता और बाद में पता चलता है कि वो बस स्पिरिट वर्ल्ड सोसाइटी के नाम से सबको बेवकूफ़ बना रहा था।
अब नासे फैमिली के मुखिया के तौर पर हिरोमी खड़ा होता है। उस रात इजुमी का सच सामने आने के बाद हिरोमी ने उसे साफ साफ कह दिया कि वो कभी भी उसकी तरह नहीं बनेगा। इतना सुनने के बाद इजुमी वहाँ से गायब हो गई। और लिटरेचर क्लब में भी मिराई के आने से पहले सब जैसा था वैसा ही होता है। ऊपर से बर्फ़ गिर रही होती है और रात में बाहर अकेले बैठकर आकिहितो मन में कहता है, मिराई से ये कहने के बाद कि उसके बिना मेरा भविष्य नहीं है, मैं आज उसी भविष्य में जी रहा हूँ। मिराई जहाँ पे भी होगी मुझसे बोल रही होगी, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। उसके पास अभी भी मिराई की वो रिंग होती है और इसी तरह से वो अपने दिन गुजार रहा होता है। मगर एक दिन स्कूल ख़त्म करके बाहर जाते वक्त वो देखता है कि मिराई का रिंग उसके हाथ से गायब हो जाता है। आकिहितो अपने स्कूल बिल्डिंग के ऊपर की तरफ देखने लगता है और फिर से दम लगाकर वहाँ जाने लगता है। छत पे आकर वो कहता है, माफ़ करना मगर कुरियामा, तुम चश्मों के साथ मुझे बहुत पसंद हो। मिराई वहीं पे खड़ी होती है जहाँ पे वो पहली बार आकिहितो से मिली थी। पीछे पलट कर मिराई कहती है, ये कितना बुरा है। आकिहितो और वो आमने सामने खड़े होते हैं और आकिहितो हमसे कहता है, पता नहीं ये किस्मत का खेल है या कुछ और, मगर आज मिराई कुरियामा मेरे सामने खड़ी थी। वो सब जो भी हो, हम दोनों साथ थे वो ज़रूरी है, मगर हमारा रिश्ता बस इतना ही होता तो शायद कहानियाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती। आकिहितो मिराई को उसके पुराने ग्लासेस दिखाकर कहता है, क्या तुम इन्हें मेरे लिए पहनोगी। इसके साथ बियॉन्ड दी बाउंड्री का सीजन 1 ख़त्म हो गया, मगर अभी एक स्पेशल एपिसोड बाकी है, उसको काफ़ी जल्द एक्सप्लेन कर दूंगा। और आगे की कहानी जाननी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि इसकी एक मूवी है जो कहानी को कंक्लूड करेगी। चलो आज के लिए बस इतना ही था, अपना ख्याल रखना और देखने के लिए शुक्रिया। मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।